हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर से मिठाई। तो पनीर की सब्जी तो आपने बहुत खाई होगी, चलिए आज बनाते हैं पनीर से लड्डू। तो सबसे पहले हम लेंगे 250 ग्राम पनीर और ग्रेट कर लेंगे इस तरह से। और ये देखिए, पनीर हमारे ग्रेट हो चुकी है। तो अभी हम 2 चम्मच ग्रेट किया हुआ पनीर को एक कटोरी में निकाल करके अलग से रख देंगे। और फिर ले लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में लेंगे हम आधी कटोरी काजू और आधी कटोरी मखाना, और पाउडर बना लेंगे इसका इस तरह से। अभी हमारा पनीर और पाउडर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम पैन को गैस पर चढ़ाते हैं, गैस चूल्हे पर, और 3 से 4 मिनट तक ग्रेट किए हुए पनीर को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। और फिर डाल देंगे आधी कटोरी नारियल का बुरादा, आधी कटोरी मलाई, और जो हमने मखाने का पाउडर बना के रखा था वो डाल देंगे, और 1 कटोरी शुगर पाउडर डाल देंगे। और सभी को मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर 4 से 5 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे। और लगातार चलाते रहना रहना है। और फिर डाल देंगे हम 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर। और दोस्तों, ये हमने अपने घर में राखी स्पेशल लड्डू बनाया है, तो आप भी जरूर ट्राई करें और अपने घर में ही राखी में मिठाई बनाएं। और ये देखिए, 4 मिनट बाद हमने गैस को बंद कर दिया था। तो अभी ठंडा होने के बाद वो जो पनीर को हमने बचा के रखा था वो डाल देंगे। और इस तरह से नींबू के आकार का हम लड्डू बना लेंगे। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये देखिए, लड्डू को इस तरह से नारियल के बुरादे में डिप करेंगे और सारे लड्डू हमको इस तरह से बना लेने हैं। और ये देखिए, लड्डू हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम एक अंगुली में थोड़ा सा कलर लगा करके सारे लड्डू पे लगा देंगे और बादाम और केसर के धागे से सजा देंगे। बादाम को पतला पतला से काट लें और इस तरह से आप मिठाई को सजा लें। और ये देखिए, हमारा यम्मी सा टेस्टी सा राखी स्पेशल लड्डू रेडी है। और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। थैंक यू।